दोस्तों, अगर आप भी एक CSC सेंटर संचालक हैं, कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और आप कस्टमर को पैन कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप CSC के माध्यम से पैन कार्ड की सर्विस कस्टमर को दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको UTI के थ्रू पैन कार्ड बनाने की सारी प्रक्रिया को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको CSC लॉगिन करना है और सर्च बार में सर्च करना है पैन। तो नीचे पैन कार्ड की सर्विस का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर से UTI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। क्लिक हेयर, यहाँ ऊपर में दिया गया है अप्लाई न्यू पैन, उस पर क्लिक कीजिए। और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको फर्स्ट वाले में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है सिंगल पर्सन के लिए। यहाँ आपको नो करना है। अगर आप NRI पर्सन है तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो रहने दीजिए। यहाँ पैन कार्ड मोड में मुझे दोनों पैन कार्ड चाहिए, फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड। इसमें फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने एक फॉर्म 49A पेज ओपन होकर के आया है। यहाँ रेफरेंस नंबर दिया गया है, यहाँ आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर्सनल डिटेल में आपको जिस भी कस्टमर का पैन अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ सारा डिटेल आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, अगर MD निजामुद्दीन नाम है तो फर्स्ट में MD और मिडिल नेम में निजामुद्दीन, या फिर लास्ट नेम में भी निजामुद्दीन दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो उसको यस कीजिएगा, नहीं तो इसको नो रहने दीजिए। जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पैन कार्ड कहाँ डिलीवर करवाना है आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑफिस या फिर रेसिडेंट। तो मैं फ़िलहाल रेसिडेंट पे कर रहा हूँ, जो मेरे आधार पे एड्रेस है उसी आधार पे मुझे मंगाना है। ऑफिस एड्रेस को आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। नीचे आधार नंबर दिया गया है, इसमें आपको आधार नंबर एंटर करना है। फिर से दोबारा यहाँ आप आधार नंबर एंटर कीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। और नीचे दिया गया है नेम एज पर आधार कार्ड एनरोलमेंट ID, जो आपके आधार में नाम है आपको वही नाम यहाँ टाइप करना है। तो चलिए मैं अपना नाम जो है यहाँ टाइप कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट डिटेल, इसमें तीनों में आपको आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। यहाँ फर्स्ट वाला देख सकते हैं, आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, आपको फर्स्ट वाला तीनों में सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा CSC के पेमेंट पेज पे। यहाँ आपको अपना CSC का पासवर्ड डालना है और वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको वॉलेट का पिन दबा करके पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक होते ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। आगे आपसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ STD कोड, आपका STD कोड लोकल कोड भी डाल सकते हैं अगर टेलीफोन नंबर दे रहे हैं तो, नहीं अगर आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो आपको कंट्री कोड 91 डालना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी टाइप करना है, जिस ईमेल आईडी पर आप वर्चुअल कार्ड को, पैन कार्ड को मंगाना चाहते हैं आपको वो ईमेल आईडी यहाँ डालना है। पेरेंट डिटेल, यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नेम आपको यहाँ टाइप करना है, जो भी आपका गार्जियन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है।
नीचे मदर्स नेम का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको मदर्स नेम में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि पैन कार्ड में माता जी का नाम नहीं आता है, इसीलिए आपको इस ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ नीचे ऑटोमेटिक फादर होता है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। एड्रेस डिटेल, इसमें आपको पूरा एड्रेस डालना है, वार्ड नंबर, ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, थाना और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद पिन कोड। तो मैं यहाँ अपना जो भी मेरा एड्रेस है मैं यहाँ टाइप कर ले रहा हूँ। सोर्स ऑफ इनकम में आपका जो भी इनकम का सोर्स है आप उसको एंटर कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अदर डिटेल का जो ये ऑप्शन है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके बटन पे क्लिक करके यहाँ आपसे डिक्लेरेशन के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको हिमसेल्फ करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ आपका नाम यहाँ आ जाएगा। वेरिफिकेशन पहले इसमें आप जिस जगह पे कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का आपको नाम यहाँ दर्ज कर देना है, टैप कर देना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वहाँ यहाँ डिटेल आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद देख सकते हैं आपके पास एक रिसीविंग मिल गया है और पैन कार्ड का फॉर्म होता है वो भी हमें मिल गया हुआ है। चलिए मैं इसको प्रिंट करके अपने सिस्टम में सेव कर लेता हूँ। एक PDF फॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे आपको दो फोटो चिपकाना रहता है और तीन जगह आपको सिग्नेचर करना रहता है। मैं इस वीडियो में आपको दिखला दूँगा किस तरह से आपको फॉर्म पे और फोटो पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर होने के बाद आपको दोबारा इसी वेबसाइट पे आना है और आपको कुछ PDF फाइल जो आपने बनाया है उसको यहाँ अपलोड करना पड़ता है, साथ में फ़ोटो और कस्टमर का जो सिग्नेचर होता है उसको भी साथ में अपलोड करना होता है। तो चलिए मैं वेबसाइट को फिर से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आपको पेन ऑब्जेक्शन में आना है और यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ जो मैंने पहले अप्लाई किया था वो आप कूपन नंबर भी या ऐप नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, अपलोड पे क्लिक करके पेन का जो फॉर्म है उसको मैंने पहले से सेव करके रखा है अपने सिस्टम में। चलिए मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फॉर्म पर जो एक फ़ोटो डाला गया था मैं उसको भी यहाँ अपलोड कर देता हूँ और साथ में एक सिग्नेचर है उसको भी सिलेक्ट कर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होते ही आपके सामने में एक कन्फर्मेशन पेज ओपन होकर के आ जाएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन, इतना मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया हुआ है।